गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को हिंदी का फोर्थ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम अपना फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है बच्चों आप लोगों के, चंद्रमा पर मानव का प्रथम पग, पग मतलब कदम या पैर, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में मानव की प्रथम चंद्र यात्रा का वर्णन किया, कि जब पहले सबसे पहले मनुष्य जब चांद पे पहुँचे थे उसी का वर्णन किया गया, कि कौन गया था, कौन से सन में गया था चांद पे, ठीक है। उसका मतलब कैसा रहा चांद का सफ़र, ठीक है, चांद तक का सफ़र, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। वास्तव में यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह असंभव को संभव कर दिखाता है, कार्य को संभव कर दिखाता है। चंद्र लोक विजय की कल्पना करने वाला मनुष्य आज अन्य ग्रहों पर अपनी विजय पताका फहराने का प्रयास कर रहा है। अब चांद ही नहीं, लोग बहुत सारे और भी ग्रह हैं जिसपे और जाकर अपनी अपने देश का झंडा लहराना चाहते हैं या अपना विजय पताका लहराना चाहते हैं। तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लोग जो चाहे वो हमेशा कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर दिखा सकते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मानव को आदिकाल से ही प्रकृति के रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा रही। प्रकृति का रहस्य मतलब कि चांद कैसा है, वनस्पति, पेड़ की, इन सब की जानने की, जानकारी रखने की इच्छा रही हमेशा से ही, आदिकाल से ही, ठीक है। आदिकाल यानी प्राचीन काल बोलेंगे यहाँ पे। वह निरंतर यह ज्ञात करने के प्रयत्न में रहा कि नील गगन में प्रकाशमान चांद तारे आखिर क्या हैं, कि वो नील गगन में यानी कि जो आसमान है उसमें, आकाश में चांद और तारे कैसे हैं, ठीक है। रहस्य उनका भेद जानने की उनकी बहुत ही इच्छा रही। ज्यों ज्यों विज्ञान की उत्पत्ति हुई, विज्ञान की उत्पत्ति मतलब विज्ञान बढ़ता गया, मानव कल्पनाएं साकार होती गई, साकार मतलब सिद्ध होती गई, ठीक है, पूरी होती गई मानव कल्पनाएं। मानव की एक कल्पना थी चंद्रमा पर विजय। चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारा सबसे निकट का पड़ोसी है। सबसे निकट मतलब कि चंद्रमा जो है सबसे पास का ग्रह है हमारा, जो सबसे पास में है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पर मानव की, जैसे चांद हो गए, तारा हो गया, सूरज हो गया, पृथ्वी हो गया, जो ग्रह हो गए हमारे, जो 8-9 ग्रह हैं वो हो गए, इनमें से सबसे पास में कौन सा है, चांद हमारे सबसे पास में है, ठीक है। चंद्रमा पर मानव की विजय की अभियान रूस ने सन 1957 में स्पूतनिक नामक उपग्रह बनाकर किया। जब स्पूतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया तो वह बहुत ही ऊंचाई तक चला गया। ये अंडरलाइन करेंगे कि सबसे पहले चंद्रमा पर मानव विजय का अभियान किसने शुरू किया था, रूस ने शुरू किया था, और कौन से सन में किया था, और कौन सा ग्रह बनाकर, उपग्रह बनाकर शुरू किया था, तो ठीक है। बहुत ऊंचाई तक चला गया और चंद्रमा की भांति वह वहां घूमने लगा। इस विचित्र उपग्रह से सारे संसार को चकित कर दिया। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद संसार के एक अन्य समृद्ध राष्ट्र अमेरिका ने भी अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया, रूस को देखकर अमेरिका ने भी यह उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने को भेजना चाहा, ठीक है। चंद्रमा पर पहले विजय पा लेने के लिए रूस और अमेरिका में होड़ लग गई। होड़ मतलब कि एक के बाद वो एक चंद्रमा पर विजय पाने के लिए कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। अंत में विजय अमेरिका को प्राप्त हुआ। जुलाई 21 सन 1969 को अमेरिका का ईगल नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने में सफल हुआ। चंद्रमा पर जाकर उतर गया। कौन सा, जो पहले स्पुतनिक नामक उपग्रह भेजे थे वो नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये लोग क्या किए, ट्राई करते रहे, अमेरिका और रूस ये एक के बाद एक अपना ट्राई करते रहे, छोड़े नहीं कोशिश, तो लेकिन जीत जो हुई, विजय जो हुई उसमें अमेरिका की हुई। और भी कब हुई, जुलाई 21 अंडरलाइन करेंगे, जुलाई 21 सन 1969 को अमेरिका का ईगल नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने में सफल हुआ, इतना अंडरलाइन करेंगे। चंद्रमा पर मानव का विजय अद्भुत वृत्तांत यहाँ दिया जा रहा है। 16 जुलाई सन 1969 को वृत्तांत मतलब वर्णन, ठीक है, वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, तो अब ध्यान से सुनेंगे।
16 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान को 110 मीटर ऊंचे सैटर्न 5 नामक रॉकेट द्वारा केप कैनेडी से चंद्रमा के लिए विदा किया गया। यह यात्रा 8 लाख किलोमीटर की थी। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अभियान का नेतृत्व नील आर्मस्ट्रांग कर रहे थे, जिसमें मेन थे नेतृत्व बता रहे थे सब कुछ, यानी कि अगुवाई जो सबसे आगे क्या करना है नहीं करना है, तो वो कौन थे मेन थे उसमें लीडर नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये तीनों गए सबसे पहले इस चांद पे अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए। अपोलो 11 यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके उसकी कक्षा का ढेर चक्कर काटकर चंद्रमा की ओर चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। 19 जुलाई की रात को अपोलो 11 के मुख्य यान कोलंबिया ने चंद्रयान ईगल को चोंच में दबाकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 20 जुलाई की रात को नील आर्मस्ट्रांग को एल्ड्रिन ने रेंकर कोलंबिया से ईगल में प्रवेश किया। उन्होंने ईगल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात अमेरिका में स्थित ह्यूस्टन के अंतरिक्ष केंद्र से बेतार द्वारा आगे के अभियान की अनुमति प्राप्त की। अब उन्होंने ईगल को मुख्य यान कोलंबिया से अलग कर दिया। मुख्य यान में उनके तीसरे सहयोगी कॉलिंस बैठे हुए चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। चंद्रमा पर ईगल के उतरने का इंजन चालू कर दिया गया। भारतीय समय अनुसार 21 जुलाई 1969 की रात 1:47 पर ईगल चंद्रमा के शांत रेतीले सागर में जा उतरा। ठीक है, फिर अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को भी कि जो ईगल है वो कब जाके चांद पर उतरा। ठीक है, ईगल ने निकलकर नील आर्मस्ट्रांग से जब अपने पैर चंद्रमा पर रखे, जब वो ईगल यान में से निकले, ठीक है, तो अपने पहले कदम उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर रखा, क्योंकि वो सबसे आगे थे, वो बता रहे थे लीडर थे, तो सबसे आगे वही उतरे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो वह चंद्रमा का पर प्रथम मानव पग था। ठीक है, चंद्रमा पर पैर रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग के मुख से प्रथम शब्द ये निकला, मनुष्य के लिए यह छोटी सफलता है किंतु मानव जाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो उन्होंने पहला शब्द यही निकाला जब उनके पैर उस पे चांद पे गए। ठीक है, तो पहला ये हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि चांद पर पहले सबसे पहले कौन गया था, किसका कदम पड़ा था, तो हमेशा यही होगा आंसर, नील आर्मस्ट्रांग का पड़ा था। ठीक है, तो प्रथम अंतरिक्ष यान स्पूतनिक 1 के छोड़े जाने के ठीक 11 वर्ष 9 महीने के बाद ईगल यान चंद्रमा पर उतरा। ठीक है, स्पूतनिक के 11 वर्ष बाद, स्पूतनिक तो असफल रहा लेकिन जो ईगल यान है वो सफल हो गया। ईगल के चंद्रमा पर उतरने के बाद दोनों चंद्र विजयी यात्रियों ने काफ़ी देर तक विश्राम किया, फिर भोजन किया। चंद्रमा पर यह मानव का यह प्रथम भोजन था। उधर कॉलिंस ने उसी समय मुख्य यान कोलंबिया में भोजन किया। कॉलिंस लगातार अपने दोनों साथियों को की पहरेदारी कर रहे थे। आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पेज है, ठीक है, इसके आगे आपको वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान से पढ़े, जो नहीं समझ आता है मुझसे पूछे, और ध्यान से इसको रीडिंग करें, इसका एक एक सन आप लोग याद रखना है। ओके, थैंक यू।